हेलो फ्रेंड्स बीएससी एस सेकेंड ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर जिसमें पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइट्स एंड एक्टेनाइट्स ये क्वेश्चन पाँच नंबर में भी पूछा जाता है दो नंबर में पूछा जाता है और तीन नंबर या साढ़े तीन नंबर में भी पूछा जा सकता है तो इसका सही आंसर क्या होगा इसके आंसर्स आप नोट कर सकते हैं इधर रखे गए हैं लेंथेनाइट्स और इधर है एक्टेनाइट्स अब हमें इसका कंपेरिजन करना है और डिफरेंस देखना है तो पहला डिफरेंस हम देखते हैं देयर इज़ ए रेगुलर फिलिंग ऑफ फोर एफ सब्ज एनर्जी लेवल तो पहला जो मेन डिफरेंस है लेंथेनाइट्स और एक्टीनाइट्स के बीच लेंथेनाइट्स में फोर एफ सब एनर्जी फिलअप होता है रेगुलर और एक्टीनाइड्स के अंदर फाइफ एफ सब एनर्जी लेवल फिलिंग होता है उसके बाद है नंबर सेकेंड एक्सेप्ट प्रोमीथियम दे ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव लेंथेनाइड्स के अंदर अगर हम प्रोमीथियम को छोड़ दें तो सभी के सभी नॉन रेडियो एक्टिव हैं और वहीं पर हम देखें एक्टिनाइड्स के अंदर तो एक्टिनाइड्स में सभी के सभी जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उसके बाद डिफरेंस नंबर थ्री द इन लेंथेनाइड्स फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स हैव ग्रेटर स्क्रीनिंग इफेक्ट द डिक्रीज इन देयर आइनिक साइज इज़ लेस लेंथेनाइड्स के केस में देखा जाता है इन फोर एफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हैव ग्रेटर स्क्रीनिंग इफेक्ट इनमें ग्रेटर स्क्रीनिंग इफेक्ट देखा जाता है द डिक्रीज़ देयर आइनिक साइज़ इनका आइनिक साइज़ जो डिक्रीज होता है वो लेस होता है मतलब इतनी आसानी से डिक्रीज नहीं होता थोड़ा कम डिक्रीज़ होता है उसके बाद अगर हम एक्टिनाइड्स के केस में देखें तो फाइफ एफ इलेक्ट्रॉन हैव लीज़र स्क्रीनिंग इफेक्ट फाइव एफ इलेक्ट्रॉनों में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बहुत ही कम हो पाता है द डिक्रीज़ इन देयर आइनिक साइज इज़ मोर इसका जो आइनिक साइज़ होता है वो बहुत जल्दी डिक्रीज़ करता है ठीक है यानी कि इसके कंपैरिजन में ज़्यादा डिक्रीज़ करता है दे आर केमिकली लेस रिएक्टिव अगर हम देखें लेंथेनाइट्स को तो ये केमिकली लेस रिएक्टिव होते हैं अगर हम देखें एक्टीनाइट्स को तो दे आर केमिकली मोर रिएक्टिव ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेरिजन ऑफ लेंथेनाइट्स देयर कंपाउंडस आर लेस बेसिक लेंथेनाइट्स के जो कंपाउंडस होते हैं वो थोड़े लेस बेसिक होते हैं और वहीं पर हम देखें एक्टीनाइट्स के कंपाउंड तो वो मोर बेसिक होते हैं यानी ज़्यादा छारी बेसिक बोलते हैं डिफ्रेंस नंबर सिक्स दे डू नॉट फॉर्म ऑक्ो आइन्स लेंथेनाइट जो होते हैं वो ऑक्जो आयन फॉर्म नहीं कर पाते जबकि एक्टिनाइड्स ऑक्जो आयन फॉर्म करते हैं जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं डिफरेंस नंबर सेवन द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ फॉर एफ इलेक्ट्रॉन्स आर हायर लेंथेनाइट्स के अंदर जो फॉर एफ इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी है वो ज़्यादा होती है जबकि फाइव फाइव इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो थोड़ी कम होती है एज कंपेरिजन ऑफ लेंथेनाइट्स राइट एक्टिनाइड्स की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कम होगी तो ये सेवन uh, डिफरेंस हैं जिसे आप uh, दो दो नंबर या अगर दो नंबर में एग्जाम पेपर में पूछा जाए तो आप लोग इस कम से कम चार या पांच डिफरेंस दे सकते हैं अगर तीन नंबर में पूछा जाए तो कम से कम सात के सात डिफरेंस आप लिखेंगे